कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस यहाँ हो रही है बहुत ही ज़ोरदार बारिश और यहाँ खड़ी है मेरी स्कूटी, मेरी धन्नो खड़ी है, काफ़ी टाइम से चला ही नहीं हूँ मैं इसको। और यहाँ ये हमारा गैरेज है, यहाँ पे अथर्व की साइकिल खड़ी है और अभी मैं अम्ब्रेला को सूखने के लिए छोड़ा है। यार मेरे प्लांट्स हैं और काफ़ी बारिश हो रही है गाइस, गजब की बारिश हो रही है। आज मैंने बनाया है छोले और कुलचे, तो यहाँ छोले की जो मसाला है वो मैं इसमें भून रही हूँ और यहाँ पे मैंने किया है मैं और यहाँ मेरा भटूरे के लिए जो आटा है वो मैंने गूंथ के रख लिया है काफ़ी टाइम पर और ये बन गया मेरा। अथर्व की थाली लग चुकी है और अथर्व को ये बहुत पसंद है और ये मैंने जो भटूरे को कुलचे जैसा बना दिया, ऊपर से ये तिल डाल दिए हैं जो काफ़ी टेस्टी लग रहा था खाने में। और ये अथर्व की थाली लग चुकी है और मिर्ची नहीं खाएगा वो, मैंने बस मिर्ची लगा दिया है। और ये है मेरा प्लेट जो मैं खाने के लिए बहुत रेडी हूँ और मुझे बहुत टेस्टी लग रहा, आज बना भी बहुत टेस्टी था और हालांकि हैवी बहुत होता है तो बस मैंने आज यही बनाया था लंच और ब्रेकफास्ट दोनों में। तो ये मेरी थाली लग चुकी है, मेरा प्लेट है, आइए आप लोग भी खाइए, बहुत टेस्टी बना है ये। और चलिए फिर हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में जिसका नेम है कैच लाइव विद दीप। तो गाइज आज है थर्सडे और आज का दिन बहुत ही मैसी था मेरे लिए, इसलिए था क्योंकि कल रात को सोने में शायद मेरी गर्दन में मोच आ गई है जिसकी वजह से मैं ऐसे और ऐसे मूव नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। बट इट्स ओके, अगर आपको घर में कोई नहीं है तो भी आपको उठ के करना ही पड़ता है। तो यहाँ अभी मैं फ़िलहाल अकेली थी यहाँ पे तो इस वजह से मुझे उठ के सारा काम भी करना पड़ा, बट बेटे ने काफ़ी हेल्प करी मेरी, उसने मसाज भी किया। तो चलिए ये तो मेरी पर्सनल बातें हैं। तो गाइस आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, मैं कोई टेक्निकल वीडियो लेके नहीं आई हूँ, कोई खाने का कुछ नहीं है, आज मैं लेके आई हूँ सारी रिव्यू जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आई होप कि आपको ये ब्लॉग जो है अच्छा लगेगा। एंड गाइज प्लीज़ वन थिंग मोर, अगर आपको वीडियो स्किप ही करना है तो आप पहले का ही कर लेना, लास्ट वाला वीडियो स्किप मत करना क्योंकि लास्ट में ही मैं सारी का रिव्यू करने वाली हूँ। और गाइज बहुत बारिश हो रही है और आज बेटे के कहने पे मैंने बनाए थे छोले और भटूरे जो काफ़ी थोड़े से डिफरेंट कर दिए थे मैंने, था वो भटूरे के लिए आटा बनाया था बट मैंने उसमें तिल वगैरह डाल के उसको मैंने कुलचे टाइप में बना दिया, उसको सिंपल वाले ही अच्छे लगते हैं तो मैंने उसको बना दिया। तो आज ये था रूटीन दिन भर का। और बारिश तो 4-5 दिन से लगातार हो रही है गाइज, और पहाड़ों का एक ही होता है, अगर बारिश होती है तो बस होती ही रहती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और बताइए आप लोग, सब लोग ठीक होंगे। और आप लोगों से तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। एंड गाइज अभी नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है वो टेक्निकल पर आने वाला है जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, तो चलिए फिर उसके बारे में बाद में बात करूँगी। मे भी हो सकता है वो कल तक या नाइट में ही मैं अपलोड कर दूँ। बाकी फ़िलहाल मैं लेके आई हूँ साड़ी का रिव्यू जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेते ना हुए मैं साड़ी दिखाती हूँ। तो गाइस सबसे पहले जो मैंने साड़ी ली थी, ये मैंने साड़ी ली थी मीशो से ही मंगाया था मैंने ये साड़ी, मुझे मतलब काफ़ी ग्लिटरिंग टाइप का है, कपड़ा का मुझे कोई वो नहीं है क्या कपड़ा है बट ठीक है, पार्टी वेयर के लिए बहुत अच्छा है। बट इसमें एक ट्विस्ट है गाइस, ये साड़ी तो मतलब ज़्यादा वो नहीं है, मतलब सिंपल में ही है बट इसका जो ब्लाउज है ना वो बहुत मस्त है, वो मैं उसी की वजह से मैंने ये साड़ी ली थी। और ये साड़ी मैंने मेहंदी के लिए ली थी, अभी मेरे घर में शादी थी तो मैंने सोचा था इसे मेहंदी पे यूज़ करूँगी बट मेहंदी पे मैंने दूसरा यूज़ किया तो बाद में मैंने यूज़ किया था इसको। तो इसका ब्लाउज मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये है उसका ब्लाउज जो मुझे काफ़ी पसंद है, ये गर्लिश
लुक में है और आप छोटे से पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े से भी पार्टी में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूनिक सा ब्लाउज़ था ये, बना बनाया था और ये मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये, 700 समथिंग या 750 कुछ ऐसे ही था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, मतलब प्राइस ज़्यादा नहीं था। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था और ये पहन के भी बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मैं इसको पहन के वीडियो बनाऊँगी, ब्लॉग शूट करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी, पहन के काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये पूरा लुक आ रहा ब्लाउज का, इसमें ये जो फ्रिल लगे हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। ये चारों तरफ फ्रिल लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये था, एक साड़ी ली थी मैंने, और साड़ी तो मैंने बहुत सारी ली थी, मैं आपको साड़ी का कलेक्शन अपना दिखाऊंगी। और एक साड़ी अभी मैंने मंगवाई थी, मीशो से ही मंगवाई थी, ये काफ़ी मतलब कम रेंज की साड़ी है, बहुत ज़्यादा रेंज की नहीं है। ये आपको दिखाती हूँ मैं आपको, ये सिल्क में है, ये पूरा इसमें नीचे वर्क है, और मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट है बहुत प्यारा। जैसे आपके घर में कोई पूजा है या घर में छोटा मोटा जो फंक्शन है आप कर सकते हैं। इसके आंचल में ये लगा हुआ है, ये लगे हुए हैं दोनों तरफ और ये काफ़ी सुंदर लग, ये भी मैंने आपको बताऊं तो मैंने अभी इसे पहना नहीं है, बट मुझे पता है कि ये पहन के बहुत सुंदर लगने वाली हूँ मैं। तो ये दो साड़ी ली थी, और भी मैंने ली हुई है साड़ी, बट मैंने अभी मेरे को जो मेन साड़ी दिखानी थी यही थी, और दूसरी जो थी ये वाली साड़ी, ये वाली साड़ी मुझे दिखानी थी आपको। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, इसका कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है। बाकी एक दिन मैं अपना साड़ी का पूरा हॉल दिखाऊंगी कि कैसे कितनी साड़ियाँ मैंने ली है, कहाँ कहाँ से ली है। मीशो से ही मैंने लिया था ये वाला, जो मुझे काफ़ी 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 पसंद है। तो आई होप कि आपको ये साड़ी अगर आप लेना चाहें तो आप मीशो पर एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ना इसका कोड याद नहीं आ रहा है। आप सर्च करके देखेंगे तो ये मिल सकती है साड़ी, मतलब आप डालेंगे साड़ी विद रेडीमेड ब्लाउज तो मे बी उसमें आ सकता है। तो ये साड़ी अगर आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है और कंफर्टेबल भी काफ़ी है। तो आज का वीडियो मैंने यहीं तक बनाया था, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर इस वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और स्टे सेफ स्टे हेल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।